बोले तो भाई पेड़ पे भी ना लाइटिंग लगाई हुई है, वाह भाई। और गाइस जो मैंने आपको बताया था ना, ये है महाराजा रणजीत सिंह चौक, इसमें भाई रात को ये फाउंटेन से चलता है क्योंकि काफ़ी प्यारा भाई लाइटिंग के साथ। और भाई नाइट व्यू में ना इन छोटे छोटे शॉप्स का ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है भाई। अगर ये शॉप ना होती ना तो शायद ये मार्केट नाइट व्यू के लिए ना अधूरा था। और गाइस इस चौक में आप क्या देखोगे, फेस ऐसे ना बने हुए हैं भाई, देखो आप। और गाइस ये वाला चौक ना जले वाला बाग ना बिल्कुल सामने है, दरबार साहिब की एंट्री एंड चांद। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी सीनियर से फिलहाल टाइम हो चुके हैं 9 बज चुके हैं भाई रात के। लिटरली गाइज वहाँ से आने के बाद ना हमने थोड़ी रेस्ट क्या किया, हमको लगा भाई साहब रात हो गई, हम भाई सो रहे हैं। लिटरली भाई साहिल भाई को तो ये अंदाजा हुआ कि भाई सुबह के 8 बज चुके हैं, बिकॉज हम बोल रहे थे कि 8 बज चुके हैं, उठ जाओ उठ जाओ, इसको लगा भाई 8 बज चुके हैं, बाकी शाम के हुए हैं। अभी शाम के दिन काफ़ी रात हो गई, 9 बज चुके हैं भाई, ये भी रेडी है एंड जिनों बार गए हैं, एंड मैंने भी थोड़ा ना आउटफिट चेंज कर लिया है। चलो भाई मस्त नाइट व्यू देख के आते हैं, गुरुद्वारा साहब का लंगर छक के आएंगे, उसके बाद जो आसपास जो मार्केट है ना वहाँ का भी थोड़ा टूर दे देंगे आपको गाइस, चलो। और गाइस इस वाले बेड में ना हम चार्जने नहीं आ रहे थे ना, तो इसलिए ना एक प्लस में ना एक गद्दा और लिया भाई सोने के लिए। इसमें देख ले भाई हम चारों में से कौन सोएगा, जिनो क्या यार, जिनो सोएगा यहाँ पे, जिनो क्या तो रहेगा अकेला सोऊंगा। वैसे गाइस रूम कितना मर्जी अच्छा दे दो हम बिगाड़ देंगे। कैसा है क्या पता नहीं किसका है, एंड उधर हो ना भाई साहब जरा, ये देखो भाई साहब बैग H&M का, ये थैला गुरी भाई साहब का, ये मेरी टी शर्ट भाई, ये भाई ड्रायर, ये सब कुछ, ये भाई जिनों के लिए गद्दा स्पेशल। मेन गेट के पीछे भी ना ये मेरा टॉवल सूख रहा है भाई, भाई गद्दे के लिए रजाई नहीं थी, आ रहा है क्या, ओए चाबी लगाओ यार, ये भी ना खेल हो चुका है तो जल जा सिम सिम। अब बस ना हम ना सिर्फ रजाई का वेट कर रहे हैं, रजाई आती है फिर निकलेंगे। सो भाई हम ना यहाँ से निकल रहे हैं, कह रहे भाई आपको मिल जाएगा बाद में ना ब्लैंकेट जो भी है। चलो रिसेप्शन का झूमर काफी अच्छा है भाई, एंड ये सीन एक बार भाई टर्टल एक ये रहा भाई, ये लगता नहीं भाई ओरिजिनल है, ऐसे लगता भाई ऐसे कार्टून से घूम रहा है नकली सा टॉय। ये भाई देखो कैसे घूम रहा है तेरा नहीं आ रहा इसको। फाइनली भाई होटल से बाहर आ चुके हैं, अब भाई नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, चलो ये बड़ी आ जाओ भाई आ जाओ। और गाइस रात को यहाँ स्ट्रीट ना ऑलमोस्ट लुधियाना जैसी है भाई, जैसे मैंने आपको डे में बताया था तो वैसी ऑलमोस्ट लग रही था। यहाँ के बिल्कुल पास में ना हरिमंदर साहिब गुरुद्वारा है यार, तो यहाँ से टर्न लेंगे ना लेफ्ट को तो पता लगेगा। और गाइज हम ना स्पेशल नाइट व्यू के लिए स्पेशल आए हैं, हमने ना स्पेशल एक ना शेड्यूल बनाया कि भाई डे में जाएंगे माथा टेकने के लिए, जो कि स्पेशली है ही अमृतसर जिसमें हम आए थे, एंड सेकंड थिंग नाइट का व्यू भाई, तो उसके लिए स्पेशल आ रहे हैं। और आई होप कि भाई ये डे से बढ़िया ही होगा, बिकॉज लाइट तो यार वो पता है यार। सो हमारे होटल से गुरुद्वारा साहिब जी का जो रास्ता है ना उसके बीच में सबसे पहले ये म्यूजियम आता है गाइज, एंड यहाँ की लाइटिंग चेक करो पहले, फुल भयंकर भाई फुल भयंकर। बोले तो भाई पेड़ पे भी ना लाइटिंग लगाई हुई है, एंड सामने देख सकते हो आप, वाह भाई काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड ये दिन में आपने देख ली बिल्डिंग, नाइट व्यू में देखो भाई, और वो आप सामने देख ही रहे होंगे पेड़ वगैरह। और भाई बंद कैसे हो गया भाई, मैंने टोक लगा दी क्या, नजर लगा दी क्या मैंने। सो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे ना अब आगे तक लाइटिंग है भाई, लाइटिंग का कमाल है। अब उड़ा दी बात यार, मेरे को क्या पता, मैं बोलूँगा लाइटिंग देखो। और भाई भाई और ना निकल जाए यार, ओ भाई आ गई आ गई आ गई आ गई भाई, कोई ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है बाकी। हाँ तो ये व्यू आपने कंप्लीट कर लिया, तो इससे आगे हम आगे जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में। चलो भाई चल करेगी आ जा भाई। और गाइस यहाँ पे ना फेस पे लाइटिंग होगी प्रॉपर आ रही है भाई, लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, आई होप का वो ना क्वालिटी आप काफ़ी अच्छी आ रही होगी। और गाइस यहाँ पे ना फोटोशूट भी होता है, कई ना ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ना फ्रीलांसिंग करते हैं, बोलते हैं कैमरा लेके ना 100 रुपये में 5 फोटो ऐसे ना डिजिटली ड्रॉप कर देते हैं, तो हमको भी ना कभी किसी ने अप्रोच किया था कि भाई ऐसे निकलवा लो, तो भाई डेमो भी दिया था, डेमो में काफ़ी अच्छी फोटो आई थी, बट मैं माना नहीं, मैंने कहा भाई बाद में आएंगे, तो क्या पता फिर से अगर हमको टक्कर गया तो बोलेगा भाई फोटो लेके जाओ अब।
और गाइस जो मौके पे लाइटिंग है ना, ये कह रहा था आपको मैं, नाइट व्यू, ये इस चीज़ के पैसे हैं भाई। प्रॉपर लग रहा भाई, ऐसे ना मुंबई में आ गए, मुंबई में भाई। और गाइस जो आप सामने ये ब्लैक कलर की जो देख रहे हो ना, ये ना भाई LED है, इसमें ना भाई लाइव फोटो चलती है हरमिंदर साहिब जी की। जैसे भाई ये वाली LED चल रही है, और गाइस जो मैंने आपको बताया था ना, ये है महाराजा रणजीत सिंह चौक। इसमें भाई रात को ये फाउंटेन से चलता है, क्योंकि काफ़ी प्यारा भाई लाइटिंग के साथ प्रॉपर भाई। और भाई नाइट व्यू में ना इन छोटे छोटे शॉप्स का ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट है भाई। अगर ये शॉप ना होती ना, तो शायद ये मार्केट नाइट व्यू के लिए ना अधूरा था। और आप यहाँ ना एक चीज़ नोटिस करोगे भाई, इतना दिन में रश था ना, उतना ही रात को है, मतलब ज़्यादा फर्क है नहीं। और जो ये सामने बैरिकेड लगे हुए ना, इसके आगे ना ये ऑटो रिक्शा कुछ नहीं आ सकता। इसके बाद ना सारा भाई ये वॉकिंग प्लेस है। एंड ये बिल्डिंग चेक करो गाइस, फुल भयंकर भाई, फुल भयंकर। झुमका लेना तूने क्या? गाना गाना पड़ेगा, झुमका गिरा रे। अब यार ये यहाँ रुक गए, क्या ले रहे हो साहिल? बाद में लेंगे, आजा। इसके लिए स्पेशल से ना एक शॉपिंग का ना शेड्यूल बनाएंगे भाई, उस दिन सारी शॉपिंग कर लेंगे घर वालों के लिए, जिससे लेना है। चलो भाई। एंड ये देखो यार प्रॉपर है यहाँ पे भाई, बहुत लोग ना कश्मीरी हैं। और गाइस ये सामने लिखा हुआ इत्र का दुबई है भाई, सॉरी भाई दुबई का इत्र है भाई। उसमें ना इत्र पहले लिखा हुआ था, दुबई बाद लिखा हुआ था, मैंने पढ़ दिया भाई इत्र का दुबई है। वाह कुछ भी। सो भाई यहाँ से लाइटिंग प्रॉपर शुरू होने लगी है प्रॉपर भाई। सो छोटे छोटे शॉप में जो लाइटिंग उभर उभर के आ रही है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। एंड वो बिल्डिंग चेक करो वाइट वाली, काफ़ी ना लगता भाई ना, फिल्म के सेट पे आ चुके हैं, बट ना ये रियलिटी है। ओ भाई लैंप में जो विंटेज लाइट का जो फोकस आता है ना लाइट का, प्रॉपर भाई प्रॉपर। और गाइज उस फोटोग्राफर ने मेरी डेमो फोटो यहाँ ली थी, और यहाँ पे फिर से बैरिकेड लगाए हुए हैं, बिकॉज इधर राइट साइड भी रोड है एंड लेफ्ट साइड भी रोड है भाई। एंड वहाँ सामने लिखा हुआ है चाय का चस्का, ये जुत्ती की शॉप आ गई भाई स्पेशल। सो ये यहाँ ना गोल पे खा रहे हैं, एक गोल वाला ये है, एक ग्यारह भाई, एक ग्यारह भाई, एक ग्यारह भाई, फुल लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे। 20 के 5 तो आटे वाले हैं, 20 के 4 सूजी वाले हैं भाई। गोरी भाई और मैं फिटनेस फ्री करना, तो हम ये खा नहीं रहे कुछ भी ऐसा। तो भाई हम ना या तो लंगर खाएंगे या फिर प्रॉपर खाना खाएंगे। जिन्होंने भी जिम स्टार्ट किया पर फिर भी ये चीट मील खा रहे हैं, चीट मील कर रहे हैं। ओ भाई एक तो मुंह में भी गया इसके। और गाइस जहाँ मौके पे है ना, यहाँ पे आसपास में जो काफ़ी तंग और भीड़ी गली है ना, वहाँ की भी ना अलग ही मिस्ट्री है। वहाँ पे स्पेशल जाए ना तो काफ़ी कुछ ना मतलब जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, स्पेशल होगा काफ़ी ना, ऑथेंटिसिटी मिलेगी भाई देखने को, तो हम जान सकते हैं। हमारे पास ना टाइम की लिमिट है। एंड यहाँ पे रश भाई ज़्यादा नहीं बढ़ गया? और यहाँ ना दरबार साहब की बात ना भाई साहब, स्टारबक्स, डोमिनोज, काफ़ी ऐसे जो बड़े बड़े ना रेस्टोरेंट हो गए, मैकडोनल्ड्स, हाँ मैकडोनल्ड्स हो गया, वैसे हैं भाई हम जा नहीं रहे, बस हम ये इंजॉय कर रहे हैं स्ट्रीट फूड। भाई तीसरा बैरिकेड। ये भाई जहाँ से ऑटो उतरा था और दरबार साहिब तक जो रास्ता ना, इतना बढ़िया वाला वॉकिंग प्लेस है ना यार। एंड सामने भाई जलियांवाला बाग का सीन है। सो वहाँ कल सुबह जाएंगे मॉर्निंग में। एंड यहाँ देखो भाई पंजाबी सूट फुलकारी टाइप, वहाँ भी आई थिंक, एंड लिखा भी हुआ है किंग फुलकारी, ऐसे शॉप है यहाँ पे आई थिंक, ये ना शोरूम टाइप है, ऊपर मैकडोनल्ड्स है भाई। इसमें ना काफ़ी ना गवर्नमेंट बिल्डिंग भी है भाई, लाइक बैंक वगैरह एंड ऑल। सो यहाँ खड़े हो चुके हैं मेरा वेट के लिए। और भाई यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। एंड वहाँ से आगे यहाँ भी है भाई शॉप्स वगैरह, काफ़ी शॉप्स है। सो आप यहाँ पे ना कभी भी आओ तो यहाँ से आराम से बड़े आराम से परचेजिंग कर सकते हो। रेट का भाई मेरे को पता नहीं, अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। एंड बीच में ये भाई चौक है। और गाइस इस चौक में आप क्या देखोगे, किपुर चौक में ना फेस ऐसे ना बने हुए हैं भाई, देखो आप फ्रीडम फाइटर्स हो गए जो लड़े थे, जितने भी शहीद हुए होंगे शायद उनके होंगे आई थिंक।
और गैस ये वाला चौक ना जले वाला बाग ना बिल्कुल सामने है, सो आप सोच सकते हो। एंड इससे ना सामने है दरबार साहिब, सो हम यहाँ से ना अब राइट लेंगे। सो अब यहाँ से ना राइट लेना है। और गाइज यहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं भाई, मेनली आपको यहाँ पे ना जूती सलवार यानी कि लेडीज़ के कपड़े, कृपाण होगी, खंडा साहिब हो गए, काफ़ी वो वाले चीज़ें आपको जहाँ मिलेंगी भाई। एंड शायद इधर भी सेम ऐसा ही है। जैसे गाइज मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई ये गवर्नमेंट बिल्डिंग भी है, ये देख सकते हो आप, SBI का भाई बैंक है। और गाइज इस व्यू के आगे सब कुछ फीका है भाई, यहाँ से ना आँखें ना अलग ही ना ब्राइटनेस आ जाती है। एंड पीछे भी कुछ ऐसे ही है यार। सो यहाँ पे ऐसी गलियाँ हैं भाई, यहाँ पे जाने का मन कर रहा है पर यहाँ पे जानते नहीं भाई, अदरवाइज जाते। एंड गाइस सामने मून देखो भाई, वाओ यार, सोने पे सुहागा हो रहा है लिटरली। इधर चेक करो गाइस, ये वाला सीन तो मैंने देखा भाई यहाँ पे ना, कृपाण की और के ना खंडा जी की काफी अच्छे अच्छे हथियार ना यहाँ पे शॉप है भाई। सो मौका मिलेगा तो यहाँ भी जाएंगे। बाकी चेक करो भाई यहाँ पे देखो, ये है दिगंबर जैन मंदिर, आगे भाई शनिदेव का मंदिर, और पीछे ना रास्ते में काफ़ी हनुमान जी के मंदिर भी आए थे। और भाई वक्त ख़त्म हुआ, ये है हमारा सामने दरबार साहिब। सो यहाँ पे ना भाई बस यहाँ पे लेफ्ट मुड़ते ना जूते जमा करवाने, उसके बाद मस्त आप व्यू करेंगे हरिमंदर साहिब जी का। ये चेक करो भाई शनिदेव जी का मंदिर जो आपको बोल रहा था, तो हाँ भाई चलो चलो। और भाई रात के ना ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, फिर भी ना इतना ही रश है देख सकते हो आप। बोले तो ना काफ़ी अच्छा भाई साहब, काफ़ी अच्छा प्लेस है जहाँ पे ना लोग ना आते हैं और ना एक ना एनर्जी सी ऐसे ना रियलाइज़ करते हैं, एक ना पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब। वो तो मैंने भी किया भाई, क्यों झूठ बोलूँ। और गाइस इसके नीचे नहीं पता नीचे क्या है, शायद कह तो रहे पार्किंग है, बाकी अभी पूछा तो कहते पार्किंग नहीं है। एंड भाई यहाँ भी कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए छोटी सी शॉप है। एंड इससे आगे है भाई जूता घर। और गाइस आई होप कि आपको अब तक ना मज़ा आ रहा होगा भाई, इसलिए मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है नाइट व्यू देखने के लिए। जितना मेरे से बन पा रहा है उतना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ भाई। एंड गाइस ये चेक करो, समझ रहे हो, दरबार साहिब की एंट्री एंड चांद, प्रॉपर सीन भाई प्रॉपर। फाइनली भाई शू भी जमा करा दिए हैं एंड सर पे पटका भी बांध लिया है, बिकॉज वैसे ना कैप अलाउड नहीं है ना, तो मैंने ना ये पटका बांध लिया सर पे। लिटरली गाइस ठंडा फर्श है ना, तो भाई पैर ठंडे हो गए, इस पे आ जाता हूँ। और गाइस वो है लंगर घर भाई। एंड भाई यहाँ सामने से हमारी एंट्री हुई थी।
सो फाइनली गाइज हम ना अंदर माथा भी टेक चुके हैं एंड लंगर भी हमने खा लिया है। सो काफ़ी अच्छा लगा लिटरली गाइज नाटक व्यू। तो मेरे को नहीं था कि भाई मैं ना कितना शूट करूँ तो थोड़ा है। फिलहाल हम बाहर आ चुके हैं भाई दरबार साहिब से। तो भाई फिलहाल हम जा रहे हैं होटल की तरफ। सो हमें होटल का रास्ता थोड़ा बहुत ही पता है भाई। और यहाँ पे नाइट व्यू देख के भाई सब दिल ना वापस से कुछ हो गया यार। एंड वो तो क्या बताऊँ मैं यार, दरबार साहिब हरिमंदर साहिब यार क्या बताऊँ मैं, तारीफ करने के लायक ही नहीं एक्चुअली। सो इतना अच्छा व्यू था। सो काफ़ी मज़ा आया और लगता है कि भाई आते रहना चाहिए और आपको भी आना चाहिए अगर आप नहीं आए तो। सो आगे कुछ ऐसा है भाई। और भाई नाइट व्यू की अब तक की सबसे ब्राइट दुकान, लाइटिंग देखो भाई यहाँ पे कितनी प्रॉपर है भाई। ये देखो भाई अंदर जाके ना काला भी गोरा हो जाएगा भाई। चलो आपको मैं ना एवरी सीन दिखा रहा हूँ भाई, कोई मिस ना हो। मेरे हिसाब से ना मैंने कुछ भी मिस नहीं किया भाई, अगर गलती से हो गया हो तो भाई मैं कह नहीं सकता। और गाइस आपको मैंने डे वाले ब्लॉग में आपको ना बताना भूल गया था, यहाँ पे ना लाइव स्केचिंग होती है, यहाँ पे ना बाबा जी बैठते हैं वो करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको मैं साथ हम ना होटल जस्ट बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पे ना भाई डॉगी का रोड शो चल रहा है, भौंक रहे हैं। आगे भाई आगे आगे ओ आगे भाई भाई पागल है क्या यार तू। देखो भाई बीच में आ गया, सोच रहे हो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। अरे तूने उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनको गुस्सा आ गया तो पज्जड़ और लगा तो मैं पज्जड़ आते हैं उन्हें भागना तो पड़ेगा भाई। पीछे आ गए तेरे, तभी पीछे भाग गए। ऐसे कुछ नहीं होता भाई, वो पास में कौन से पूछते भाई कहां से आया है, जो डरता ना उसे जहां डराते हो। ऐसे कुछ नहीं है। तो चलो भाई होटल के अंदर चलते हैं। 3 2 1 अरे भाई ये वाला जादू है, मैंने पहली बार देखा है। अभी तक भाई जीने का ना कंबल नहीं आया भाई, मैं सीट रोकता हूँ। ये थी भाई अपनी सीट एंड ये भाई अपन पड़ गए। ओ भाई सो भाई फिलहाल मैं बेड पे आ चुका हूँ एंड फ्लैग करते इस ब्लॉग को। एंड आज के लोग गाइस आपने देखा कैसे भाई नाइट व्यू देखा आपने, जो हरिमंदर साहिब था वहाँ का व्यू आपने देखा एंड काफ़ी अच्छा लगा यार। लिटरली फील होता है कि भाई ये जन्नत से भी ऊपर चीज़ है। मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ भाई यहाँ पे लिटरली भगवान रहते हैं भाई। मेरी जो मेरी वर्डिंग है ना आप देख सकते हो भाई, मैं कितने ना पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा हूँ। सो हाँ ये था आज का ब्लॉग, आई होप क्या ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करना। इसी यार मिलते हैं लोग मित्र, बाय टेक केयर बाय गाइस। तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका 1:15 हो चुका भाई रात के एंड हमने खाना खुना तो खा लिया था भाई लंगर में, बाकी फिलहाल ना पिज्जाज मंगाए हैं एंड ये तो हमको करना ही था भाई एक दिन ना सिस्टम। तो ना होटल का रूम बुक किया हुआ था ना, काफी ना भूख लगी हुई थी। सो भूख मेरी लगी हुई थी, मैंने उनको बोला खाते हैं। सो 4 पिज्जा मंगाए हैं भाई, खाते हैं भाई। और भाई जिनम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये भाई गुरी की मसल देखो, जिनब से खोली नहीं ना तो साहिल हेल्प कर रहा है। और इतने ना भाई साहिल ने ना आधे घंटे 2 घंटे नींद ले ली है। देख तो सही इसमें मेरे को वो चाहिए कॉर्न वाला, देखते भाई इसमें कौन सा है। ओ भाई कॉर्न वाला मिला, ठीक है आई लव दिस। और क्या दे गाइस 3 कॉर्न पिज्जा, 1 ऑनियन वाला है भाई। सो ऑनियन वाला इसने लिया, बाकी कॉर्न पिज्जा हम तीनों ले लिए भाई। तो चलो खाते हैं बाकी। ये तो मैंने ना शूट करना नहीं था बट मैंने यह था कि भाई कर लेते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम ना ऐसे कभी होटल में ऐसे पिज्जा खाना भाई, कभी कभी ऐसे नसीब होता है। सो हम कर रहे हैं तो हमने शूट कर लिया फिटनेस फ्रीक है। हाँ ये हम है 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद हम फिटनेस फ्रीक नहीं है, फिर तो हम भूखे हैं भाई, कुछ भी खिला दो। 3 2 1 लाइट सुन कर भाई। अरे यार पॉपट हो गया, बच गया फोन, फोन बच गया भाई, फोन बच गया। मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी।